वाले घने लंबे सिल्की शाइनी स्मूथ मजबूत बाल हर किसी को पसंद होते हैं। अगर आपके स्कैल्प पे हेयर हैं तो आप यंग दिखाई देंगे, नहीं है गंजे हो चुके हैं या फिर आपके हेयर से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो चुके हैं तो समझ के चलिए आपके जो रियल एज है ना उस एज से आप 6 से 7 साल बड़े दिखाई देंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने तो बचपन से ही बाल बढ़ाना स्टार्ट कर दिए होंगे, आप बचपन से ही आपके इतने घने बाल होंगे तब जाके आपके बाल ऐसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं 4 से 5 साल की थी अब भी लोग मुझे बताते हैं कि तेरे स्कैल्प पे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे, बिल्कुल पतले थे, कहीं कहीं पे हेयर थे। और जब मैंने मम्मा से बोला कि मैंने बाल बढ़ाने हैं तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इतने पतले हेयर अगर खुला छोड़ेगी तो अच्छे नहीं लगेंगे, छोटे बनाएंगी तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो क्या फ़ायदा है बढ़ा के। लेकिन मैंने बस ठान ली थी कि मैंने अपने हेयर लंबे करने हैं कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने अपने हेयर्स की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया, ऐसी चीज़ें लगाई जिनसे हेयर अच्छे हों, ऐसी चीज़ें अवॉइड की जो हमारे हेयर के लिए अच्छी नहीं होती। आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्सर लड़कियां सिर्फ यही देखती हैं वो वाला DIY लगाना है, वो वाला प्रोडक्ट लगाना है, वो वाला शैम्पू लगाना है, वो वाला ऑयल लगाना है, लेकिन ये नहीं देखती हैं कि आप अक्सर अपने लाइफस्टाइल में या फिर अपने पूरे दिन में ऐसी कौन सी गलतियां करती हैं जिनकी वजह से आप जो DIY लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, उनका 100 to 100 आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या कारण है ऐसा? कभी आपने ध्यान दिया है कि आप बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं जिन कारण से आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है और आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है? आज उन्हीं गलतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगी वो छोटी छोटी मिस्टेक जिन्हें अगर आप अवॉइड कर देंगे ना तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, आपके हेयर बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, टॉपिक अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ अपनी जितनी भी फीमेल फ्रेंड है उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का 100 to 100% जवाब दूंगी। तो फिर चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। गलती नंबर 1, अक्सर हमारा जो आइडल होता है जिसको हम पसंद करते हैं, मान के चलिए आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है और आप उसकी हर बात मानते हैं और उन्होंने करवा लिया भाई रिबॉन्डिंग, ठीक है, अब आप भी सोचेंगे कि हाँ उन्होंने करवाई है यार, वो मेरे आइडल हैं तो ऑफकोर्स मुझे भी रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए। लेकिन क्या करवाने से पहले आपने कभी सोचा है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में? ठीक है उन्होंने करवा ली, उनकी मर्जी है, लेकिन क्या सिर्फ वो आपके फेवरेट हैं इसीलिए आप रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं और कोई कारण नहीं है? क्या आपको अपने हेयर से प्यार नहीं है? अक्सर लड़कियां अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए, स्ट्रेट दिखाने के लिए, शाइनी दिखाने के लिए या फिर अपने यूट्यूबर की नकल में मान के चलिए करवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रिबॉन्डिंग करवाना मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज़ आप हमें सलून का वीडियो दिखाइए, प्लीज़ रिबॉन्डिंग करवाइए, प्लीज़ ये करवाइए। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना तो मुझे ऐसा बोलें ना ही आप खुद करवाएं। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और कलर करवाना मतलब पता क्या होता है, अपने बालों को खुद ब खुद जड़ से उखाड़ के फेंक देने के बराबर होता है। इससे क्या होगा, आपका हेयर लॉस होगा, आपका मनी लॉस होगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे वो अलग से। अगर आप भविष्य में कभी करवाने की सोच रही हैं और ख़ासकर लड़कियां पता क्या करती हैं, ख़ासकर जो छोटे शहरों की या फिर मैं भी गांव से हूँ, गांव की जो लड़कियां होती हैं और देखती हैं यूट्यूब तो वो किसी लोकल पार्लर में चली जाती हैं और करवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन लोगों को खुद ये नहीं पता है कि रिबॉन्डिंग होती क्या है और फिर वो उठा के कर देते हैं रिबॉन्डिंग, और फिर आपका जो रिबॉन्डिंग का रिजल्ट होता है पता क्या होता है, आपके हेयर ऐसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे हैंड में ऐसे करेंगे अपने हेयर्स में तो ऐसे के ऐसे आपके गुच्छे के गुच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने ठान लिए कि भाई जी कुछ भी हो जाए मुझे रिबॉन्डिंग करवानी है तो आप किसी अच्छे से बड़े से हेयर सलून में जाएं, वहां पे रिबॉन्डिंग करवाएं। पहली बात तो करवाएं ना, अगर करवानी है तो वहां पे जाके करवाएं। किसी की नकल ना करें कि भाई वो तो मेरा बेस्ट, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है और उसने तो जो बात बोल देना भाई वो तो पत्थर की लकीर है, फिर नहीं कुछ भी होने वाला, मुझे तो करवानी करवानी है। थोड़ा सा लगाएं खुद और प्लीज अपने हेयर्स के साथ इतनी बड़ी मिस्टेक मत करें। मैं भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी भविष्य में, क्योंकि अगर आपके हेयर हैं तो आप यंग दिखाई देंगे, वरना नहीं है तो आप बिल्कुल आपका फेस भी मुरझाया मुरझाया लगेगा अगर आपके हेयर ही अच्छे नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और कलरिंग
करवाते हैं अपने हेयर पे, सॉरी मुझे कुछ हो गया, ओके तो बिल्कुल भी ना करवाएं। सेकंड गलती, कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन हमारा जो हेयर फॉल है वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है, हमारे हेयर अचानक से कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारी होम रेमेडीज बताई हैं, बहुत सारी DIY बताते हैं, हो सकता है कि 100 में से 80 लोगों पे उन्होंने असर दिखाया हो, जो 20 लोग रह गए हैं उन पे ना भी दिखाया हो, क्योंकि एक दवा हर दर्द का मर्ज नहीं बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आपके DIY ने असर नहीं दिखाया, आपके प्रोडक्ट ने असर नहीं दिखाया। हो जाता है लाइफ में कभी कभी, एक तो उस टाइम पे आपके हेयर ज़्यादा टूटते हैं जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं आफ्टर डिलीवरी के। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया कि आफ्टर डिलीवरी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर आपका ऐसा हेयर फॉल हो रहा है, पीरियड्स के दौरान हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पीरियड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर का, गाजर का, अनार का, ऐसे ऐसे रस आपको जूस पीने चाहिए। अगर आपकी हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि हाँ, ये प्रेगनेंसी के बाद की जो कमज़ोरी होती है उस कारण से आपका ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी के बाद आपको हमेशा अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हो, जिसमें आपकी बॉडी में जो कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है, उसको आप रिकवर कर सकें, ठीक है ना। DIY भी लगाएं, अच्छा खाएं, अच्छे न्यूट्रिशन लें, तब जाके देखें कि आपका जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तीसरी और बड़ी गलती, अक्सर लड़कियां स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाती हैं, वर्किंग वूमन होती हैं, तो वो सोचती हैं कि हर दिन उनके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट लगे, अच्छे लगे, और वो हर दिन शैम्पू के साथ अपने हेयर वॉश कर लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर स्ट्रेट लगें तो आप लिवोन लगा सकते हैं हर रोज़ आपके हेयर्स पे, उससे आपके हेयर स्ट्रेट लगेंगे, सिल्की भी लगेंगे, स्मूथ भी लगेंगे, शाइनी भी लगेंगे। लेकिन हर रोज़ शैम्पू आपके हेयर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, उससे आपके हेयर डैमेज हो जाएंगे, जो नेचुरल ऑयल्स होता है ना आपके हेयर में वो चले जाएगा, रूखे सूखे और बिल्कुल डैमेज फ्रिजी बाल आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस स्कूल जाते वक्त आपके हर रोज़ हेयर अच्छे लगें, तो आप किसी भी हेयर सीरम का या फिर सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल का आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लें, अपने हेयर्स पे लगाएं, इससे सन की जो हार्मफुल किरणें होंगी ना वो भी आपके हेयर को डैमेज नहीं बना सकेंगे, आपके हेयर को पूरा प्रोटेक्ट करेगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं, ओके। चौथी और सबसे बड़ी गलती है कि अक्सर लड़कियां सर्दियां आते ही गर्म पानी में बाल धोना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्म पानी में आपको बिल्कुल भी हेयर नहीं धोने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जो पानी होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कैसे भी हो, आपको उसी के साथ अपने हेयर वॉश करने चाहिए। अगर आप गर्म पानी में अपने हेयर वॉश करेंगे तो आपके हेयर का जो नेचुरल ऑयल होगा वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज फ्रिजी हो जाएंगे, मतलब कि आपके जो हेयर हैं वो रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। पांचवी गलती ये है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिएगा। अगर सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है तो सब कुछ ठंडे दिमाग से टाइम पे छोड़ दें, जो होगा अच्छा होगा, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। छठी गलती ये है कि आप ज़्यादा देर धूप में ना रहें, अगर आप ज़्यादा देर धूप में रहेंगे तो भी आपके हेयर खराब हो जाएंगे। अगर आपका मतलब कि ये है कि आपको धूप में खड़े होकर काम करना है या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने हेयर्स को कवर करके धूप में जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी गलतियां जिन्हें अक्सर आपको अवॉइड करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान में रखेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी DIY लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, उसका सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, 100-100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक और अच्छी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक लोग अपने भी खुश रहें, खुश रखें, बाय। I'm gonna be sick.